सिवनी के लखनादौन में टिड्डी दल के दस्तक देने के बाद प्रशासन और किसान अलर्ट हो गए हैं और इन्हें भगाने के उपाय किए जा रहे हैं। ये टिड्डी दल बालाघाट की तरफ से सिवनी पहुंचा था। लखनादौन विकासखंड के उपनगरीय क्षेत्र धूमा के आसपास की पंचायतों भौरगढ़ी चरगांव में भारी तादाद में टिड्डी दल ने दस्तक दे दी है। इस कारण इलाके में किसान परेशान हैं। टिड्डी दल ने तेज हवाओं के साथ बालाघाट जिले में प्रवेश किया है। अधिकारियों ने बताया कि टिड्डी दल के आने की पूर्व सूचना के आधार पर पहले से ही तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। इसके लिए जिन किसानों के खेतों में सब्जियां फसल खेतों में हैं, उनको ध्वनि विस्तारक यंत्र रखने व टिड्डी दल के आने की सूरत में बजाने की हिदायत भी दी गई है। भौरगढ़ी और चरगवा के खेतों में रविवार की रात में टिड्डी दल ने अपने दस्तक दी। टिड्डी दल के सिवनी जिले से लखनादौन की सीमा से घनसौर की सीमा में प्रवेश कर रहा है। बोले कल शाम को जो कृषि विभाग का दल, टिड्डी दल के साथ साथ में जो कृषि विभाग का जो दल है जो नियंत्रण के लिए, वो उनके द्वारा हमको सूचना मिली कि धूमा क्षेत्र के नज़दीकी जामुनपानी और भौरगढ़ी के जंगल में और गांव में जो है ये टिड्डी दल का अभी फिलहाल ये आश्रय हुआ है। उसके बाद से हमारा नगर पालिका का जो पूरा फायर ब्रिगेड के जो हमारे जो दो वाहन हैं, उसके अलावा हमारे राजस्व का अमला, हमारे वन विभाग का अमला, कृषि विभाग का अमला, इस प्रकार हमारा जो है संयुक्त और कृषि और साथ में ही पंचायत विभाग का। और ये टिड्डी का दल जो अभी बालाघाट होते हुए कल हमारे सिवनी में झिरपिपरिया में था, आज यहाँ पर रात को कल ये जामुनपारी में ठहरा था और आज सवेरे से आज 6 बजे से राजस्व विभाग के साथ और हमारा कृषि विभाग का अमला ये टिड्डी दल को नियंत्रण करने के लिए निकला था। इसमें हमने एक केमिकल का इस्तेमाल किया था जिसमें 2 फायर ब्रिगेड हमारे साथ लगी थी, साथ ही हमने ट्रैक्टर्स की गाड़ियाँ जो थी जिनका साइलेंसर हमने निकाल दिया था क्योंकि इसके साउंड सिस्टम से टिड्डियाँ भागती है और सबसे बेस्ट जो उसका ट्रीटमेंट है वो धुआं करने का। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।